हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल है। आई होप सब मज़े में होंगे, फिट होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही साथ पेरेंट्स को परेशान नहीं कर रहे होंगे, राइट। क्योंकि इस टाइम पे होता क्या है कि हमसे ज़्यादा, मतलब आप लोगों से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हाई बोर्ड का एग्ज़ाम है, बच्चा क्या करेगा, पढ़ नहीं रहा है, क्या लिखेगा। तो उनको टेंशन नहीं देनी है और अपनी प्रिपरेशन टाइम से पूरी कंप्लीट करनी है। ओके, सो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट 4। और इससे पहले हमने कंप्लीट किया है पार्ट 3, जो कि था पार्टी सिस्टम और हाउ मेनी पार्टीज डू वी हैव। उसमें हमने पढ़ा था सिंगल पार्टी, बाई पार्टी और मल्टी पार्टी के बारे में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी देखिए। साथ ही साथ उस वीडियो को मैंने छोड़ा था एक क्वेश्चन के साथ, जो कि था नेम 3 मेजर अलायंसेस ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर है UPA, NDA एंड लेफ्ट फ्रंट। तो शुरू करते हैं पार्ट 4 पॉलिटिकल पार्टीज का, नेशनल पार्टीज। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि हर वीडियो के आखिर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल, है ना। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो एक तरह का सिस्टम फॉलो करती हैं, राइट। इंडिया भी एक तरह का सिस्टम फॉलो करती है और वो सिस्टम कहलाता है फेडरल सिस्टम। और फेडरल सिस्टम का मतलब है जहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी होती है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और फेडरल सिस्टम को अच्छे समझने के लिए आप मेरी फेडरलिज्म चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो कंट्रीज फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं वहाँ पे दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो पार्टीज या तो एक फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होगी या फिर सारी फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होंगी। और यही सेम केस और यही सेम चीज़ इंडिया में भी है। तो नेशनल पार्टीज दे आर वाइड पार्टीज, दे हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स एंड ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी डिसाइडेड एट नेशनल लेवल एंड मेनली द सीन इन फेडरल सिस्टम। तो जो पार्टीज पूरे देश में फैली हुई होती हैं उन्हें नेशनल पार्टीज कहते हैं। इन पार्टीज की अलग अलग स्टेट में यूनिट्स होती हैं और कुल मिलाकर देखें तो सारी यूनिट्स नेशनल लेवल पर सेम पॉलिसीज़ को, सेम प्रोग्राम्स को, सेम स्ट्रैटेजीज को फॉलो करती हैं और मानती हैं। और इंडिया में टोटल 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं अकॉर्डिंग टू 2018। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 3 में पढ़ा था कि इंडिया में 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं। और इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है? इनका रजिस्ट्रेशन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेल्फ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको 24 जनवरी 1915 को सेटअप किया गया था, जो इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस की देखरेख करती है, उसके प्रोसेस को देखती है। और ये राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा, इन सब की इलेक्शंस को कंट्रोल करती है, एडमिनिस्टर करती है। तो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और इनका ऑफिशियल जो टाइम पीरियड होता है इलेक्शन कमीशन का वो होता है 6 ईयर्स का। 6 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है या उससे उसके ऊपर अप टू द एज ऑफ 65, जो भी पहले आ जाए। और इन्हें एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग फैसिलिटी और सैलरी मिलती है। इलेक्शन कमीशन
आपके पास किसी भी पार्टी को रजिस्टर करने का और डी रजिस्टर करने का पूरा राइट होता है, पूरा पावर होता है। और इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है ये देखना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पावर्स का गलत फ़ायदा ना उठाएं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस इलेक्शन कमीशन चेक करती है कि कितना खर्चा किया है, कहाँ पर किया है, ये सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन देखती है। तो अब जानते हैं इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या वर्क कर रही है। सो एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। जाना हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स एवरी पार्टी एज इक्वल टू अदर, बट इट ऑफर्स स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज। जो इलेक्शन कमीशन है वो हर एक पार्टी को इक्वली ट्रीट करती है, सबको इक्वल राइट्स देती है, लेकिन जो पार्टी इस्टैब्लिश्ड पार्टी हो गई है, जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं, जैसे कि हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि 7 नेशनल पार्टीज हैं 2018 के अकॉर्डिंग, वो सारी की सारी इस्टैब्लिश्ड पार्टी हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है उनको स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। दे आर गिवन यूनिक सिंबल एंड आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। यूनिक सिंबल दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन यूनिक सिंबल देती है उन पार्टीज़ को, और वो पार्टीज़ कहलाती हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़। और ऐसे प्रिविलेज्ड और स्पेशल फैसिलिटी वाली पार्टीज़ तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरियाज भी बनाए हैं कि कितने सीट और कितने वोट पाकर कोई पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनेगी। सो अकॉर्डिंग टू 2018 इंडिया में टोटल 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं, और इन पार्टीज़ को हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, और जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या क्राइटेरियाज बनाए हैं नेशनल पार्टीज़ के लिए और क्या क्राइटेरियाज रखे हैं स्टेट पार्टीज़ के लिए। तो जाते जाते मैं आपको छोड़े चलती हूँ एक क्वेश्चन के साथ, जो कि है नेम द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, एंड यू ऑल नो दैट यू हैव टू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना, और इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5 में। तो ये था आज का लेसन। मैं हूँ आपके दोस्त केशा कुशवाहा, और आप देख रहे थे एडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ येस, देन शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।